Welcome back to our YouTube channel. I am Sakshi Jain and in today's video I am going to talk about Government Autonomous Ashtang Ayurvedic College, Indore. But before getting into this video, make sure to like, share and subscribe and hit the bell icon to not miss any updates from our YouTube channel. तो गवर्नमेंट ऑटोनॉमस अष्टांग आयुर्वेदिक कॉलेज, अगर एड्रेस की बात करें तो ये कॉलेज सिचुएटेड है बाबू लाल चंद चजलानी रोड, लोकमान्य नगर, इंदौर, मध्य प्रदेश में। फोन नंबर जो है कॉलेज का वो स्क्रीन पे फ्लैश हो जाएगा। अगर आपको कॉलेज से ही कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉलेज का नंबर है उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज है जो एस्टैब्लिश हुआ था ये 1964 में। ये देवी अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है एंड इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडिया मेडिसिन एंड आयुष। अगर हम कोर्स की बात करें तो हम डिस्कस करने वाले हैं आज बीएएमएस आयुर्वेद कोर्स को। तो ये जो कोर्स है इसमें 75 सीट्स हैं स्टूडेंट की, 4.5 ईयर की इसकी कोर्स ड्यूरेशन है, जिसमें इसके बाद एक साल की इंटर्नशिप होगी, जिससे टोटल कोर्स ड्यूरेशन आपकी हो जाएगी 5.5 ईयर्स। अगर एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो द स्टूडेंट इंटरेस्टेड टू टेक एडमिशन इनटू बीएएमएस कोर्स हैव टू क्वालिफाई द जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट फॉर नीट। यानी कि अगर आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है तो नीट क्वालिफाइड आपका होना चाहिए, यानी कि मिनिमम 50% आयल जनरल कैटेगरी के लिए, 40% आयल रिजर्व कैटेगरी के लिए होने चाहिए, जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर रहता है। इसके बाद अगर स्कूल के क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12th में आपका पीसी भी होना चाहिए विद मिनिमम 50%, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो यही परसेंटेज आपका 45% या 40% हो जाता है। ये तो हो गया कोर्स। अगर हम फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो फर्स्ट ईयर की आपकी फीस होगी 1,27,035 रुपीज फॉर जनरल कैटेगरी, एंड अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो ये फीस आपकी 86,735 होगी। सेकेंड ईयर से जो आपकी फीस होगी वो 45,150 रुपीज होगी। फर्स्ट ईयर की फीस और बाकी सब्सिक्वेंट ईयर की फीस में डिफरेंस ये है कि जब आप फर्स्ट ईयर में कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो काफी सारी फीस जो है आपको देनी पड़ती है, जैसे कि कॉशन मनी जो रिफंडेबल होती है, इसके अलावा स्पोर्ट्स एंड कल्चरल फीस हो जाती है, एजुकेशनल फीस हो जाती है और काफी सारे अलग चार्जेस। अब हम बात करते हैं आपके एडमिशन प्रोसेस की। तो एडमिशन प्रोसेस आपका आयुष की वेबसाइट के थ्रू होगा। ये दो तरीके से हो सकता है, या तो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू या स्टेट कोटा के थ्रू। ऑल इंडिया कोटा में जो स्टेट के बाहर के बच्चे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कुछ सीट जो रहती हैं वो उनके लिए रिजर्व रहती हैं। यही अगर हम बात करें स्टेट कोटा के लिए, तो स्टेट कोटा में जो उस स्टेट के बच्चे हैं वो आराम से अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए 85% सीट का वेटेज रहता है। तो आज मैंने आपको इस वीडियो में बीएएमएस प्रोग्राम के बारे में बताया, गवर्नमेंट ऑटोनॉमस अष्टांग आयुर्वेद कॉलेज इंदौर के। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जाने से पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगी कि ये जो काउंसलिंग का प्रोसेस होता है जब हम आयुष में अप्लाई करते हैं, थोड़ा सा टिपिकल होता है, तो आप अपने आप अप्लाई मत कीजिए, या तो आप किसी की गाइडेंस में अप्लाई कीजिए या आप किसी थर्ड पार्टी काउंसलर के थ्रू अप्लाई करवा सकते हैं। अगर आपको हेल्प की जरूरत है तो आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हमारे काउंसलर से कनेक्ट कर सकते हैं जो आपके पूरे प्रोसीजर में हेल्प कर देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। काउंसलिंग फी के कोई चार्जेस नहीं है, तो आप बेझिझक होकर कॉल कर सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाती रहूंगी, तो हमसे जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।